चंडीगढ़ के सेक्टर 56 वार्ड नंबर 29 के आम आदमी पार्टी के एमसी मनवीर अंसारी की तरफ से आज सेक्टर के पार्कों की सफाई अभियान शुरू करवाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के एमसी मनवीर अंसारी की तरफ से बोला गया कि सेक्टर 56 में लगातार रुके हुए कामों को करवाया जा रहा है। सेक्टर 56 के लोगों की तरफ से भी बोला गया कि आज आम आदमी पार्टी के एमसी मनवीर अंसारी की तरफ से जो सेक्टर 56 के पार्कों की सफाई अभियान चलाया गया है, बहुत ही अच्छा काम है। लोगों की तरफ से भी उनका काम देखकर धन्यवाद किया गया। वहीं एमसी मनवीर अंसारी की तरफ से लोगों को विश्वास दिलाते हुए बताया कि मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। और क्या कुछ कहना रहा आइए सुनते हैं। आज ये जो आप जो सफाई अभियान चल रहा है, तो क्या आपका उद्देश्य क्या है इसीलिए? हमारा जो सफाई अभियान चल रहा है, जो हमारा जो कमिश्नर मैम है, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि चलो हमारे एरिया के लिए थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि सफाई अभियान चलवा रहे हैं। बाकी जो हमारा SDO साहब जो अश्विनी जी हैं, वो भी बहुत हमारे एरिया के लिए ध्यान दिए हैं, हमारे एरिया में लगे हैं सफाई करने के लिए। बाकी जो भी यहाँ के हमारा कार्यक्रम काम चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है, पार्कों का काम चल रहा है, टाइलों का काम चल रहा है, बाकी सारा काम हमारा यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। अभी सफाई चल गया, बहुत पहले से पुराना यहाँ हालात ख़राब था, इसको थोड़ा सुधारने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारा काम सब ठीक चल रहा है, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस समय आपके पास विकास कार्यों की अगर बात करें तो कौन कौन से मुख्य कार्य इस समय कर रहे हैं? हमारे पास विकास के काम है कि हमारा ग्रीन बेल्ट का काम चल रहा है जी, 4 मंजिला में मेरा ब्लॉक टाइलों का काम चल रहा है जी, बाकी पार्कों की रिपेयरिंग का काम चल रहा है जी, बाकी सफाई अभियान के हमारा काम चल ही रहा है जी, बाकी TT वाटर पाइप डल रहा है जी पानी का। जो जैसे कि अभी पेवर ब्लॉक की बात करी है, कब तक ये काम कंप्लीट होने का? देखो जी, हमारा 56 के 29 नंबर वार्ड के काम बहुत बकाया है जी, 5 साल कोई काम नहीं हुआ, तो काम में तो हमारा समय लगेगा, लेकिन हमारा काम में चलते रहेगा, कभी काम हमारा रुक नहीं सकता है जी। जी, क्या कारण रहे है कि भी पहले विकास हुए नहीं है? देखो सर, हमारा एरिया का लोकल कोई पार्षद नहीं था, जिम्मेवार आदमी कोई नहीं था, हम यहाँ का लोकल हैं, लोग हमारे के चुन के लाए हैं, तो उनको वादा हम पूरा करूँगा। बाकी जो भी हमारा राशन कार्ड के काम चल रहा है, हम घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के इनको बना के दे रहे हैं कि हमारा लोग जाके परेशान ना हो, हमारा लोकल लोग कहीं जाए ना बाहर। हाँ जी, ये जो सफाई अभियान चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर देखिए जी, ये काफ़ी टाइम से हमने बोला हुआ था कि भी पार्कों की सफाई शुरू की जाए। ये हमारा पहले तो मैं सबसे पहले अंदिता मित्रा जो हमारे कमिश्नर मैडम है, उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने चंडीगढ़ के जितने भी काउंसलर सबको बोला कि अपने आप एरिया में सफाई कराइए, पार्कों की हो, गलियों की हो, सड़कों की हो, उसकी चीज़ में। तो उन्होंने प्रगति शुरू की है, जिसको उन्होंने एक्शन को ऑर्डर दिए हैं, जिसके थ्रू हमारे JE और SDO साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे काउंसलर, ये सारे हमारे एरिया के काउंसलर की बदौलत है कि जिन्होंने कहा कि भी सफाई कराओ अपने एरिया में। तो आज सारे ही उपस्थित हैं यहाँ पे, आपकी काउंसलर साहब भी थे, SDO साहब भी सब थे यहाँ पे। नाम बता दीजिएगा और डेजिग्नेशन क्या है? सर मेरा नाम विनोद कुमार है जी, मैं आप पार्टी का इन भैया के साथ के सपोर्टर करते हैं जी, मतलब कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, कार्यकर्ता हैं जी। तो आपके अगर सोच के हिसाब से इस समय कौन सा ऐसा विकास कार्य है जो प्रमुखता से आपकी सोच के हिसाब से? सर देखिए, हमारे कार्य जितने भी चल रहे हैं सेक्टर 56 में, सब सारे प्रमुख हैं, क्योंकि काफ़ी काम पेंडिंग है। अब हमारे इधर कोई एक प्रमुख बता दीजिए। प्रमुख सर हमारे जो मैंने अगला नेक्स्ट काम होगा जो होगा हमारा सीवरेज का, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है सीवरेज की आती है, अब वो भी हमारा प्रगति में है, बात चल रही है, एक्शन तो ऑलरेडी है यहाँ पे सीवरेज है, लेकिन ब्लॉकिंग की बड़ी समस्या आती है उसकी, कई बार जैसे बारिश होगी तो वहाँ काफ़ी दिक्कत आएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी डिस्कस चल रहा है डिपार्टमेंट से। तो जैसे होगी, जैसे काम 2-4 दिन मिटते हैं, सबसे उसमें सबसे पहले सीवरेज पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद जी। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म, 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।